प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के आह्वान पर नियमितकरण की मुख्य मांग को लेकर प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक संघ हड़ताल पर और धरना प्रदर्शन पर है। उसी क्रम में आज हड़ताल का यह तीसरा दिन है और तीसरे दिन हमने तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी एकमात्र प्रमुख मांग है कि हमें नियमितकरण की मुख्य धारा में लाकर संविदा शिक्षक बनाना चाहिए, ताकि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर सामाजिक दायित्व का प्रतिनिधित्व कर उचित प्रकार से जीवन निर्वाह कर सके। सरकार के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा झूठे दिलासे दिए गए। पिछली जब सरकार आई थी तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो सभी संपूर्ण अतिथिगणों को नियमित करेंगे, और आज तक भी वो उनका दिलासा झूठा साबित हुआ है। आज तक भी उन्होंने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है, और हम लोग एक बधुआ मजदूर से भी कम शुल्क पे हम लोग रोजाना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये जो अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, नियमितीकरण को लेके, इनके साथ हम कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग कर रहे हैं।